नर्सरी से मिली शख्स की 4 दिन पुरानी लाश। 28 नवंबर को घर से बिना बताए चला गया था। हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम देवराहा में 45 वर्षीय शख्स की सड़ी गली लाश एक नर्सरी से बरामद हुई है। मृतक की शिनाख्त दरस राम सूर्यवंशी के रूप में हुई है। वो 28 नवंबर को अपने घर कैलाश नगर पिसौस से किसी काम से निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि इन्हें शुक्रवार देर शाम ग्रामीणों ने सूचना दी कि देवराहा ग्राम के नर्सरी में एक व्यक्ति की लाश सड़ी गली हालत में पड़ी हुई है। वे तुरंत अपनी टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए। शव की शिनाख्त ग्रामीण नहीं कर पा रहे थे। लाश की जांच करते हुए उसकी पैंट की जेब से व्यक्ति का आधार कार्ड मिला, जिस पर दरस राम सूर्यवंशी 45 वर्ष निवासी कैलाश नगर पिसौद लिखा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजहों का खुलासा हो सकेगा। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि व्यक्ति की मौत किसी हादसे के चलते हुई या उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि 28 नवंबर को रात 8 बजे के करीब दरस राम घर से बिना कुछ बताए निकल गया था। जब देर रात तक भी वो घर नहीं लौटा तो उन्होंने इसकी हर परिचित और रिश्तेदारों की यहां तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। परिजनों ने कहा कि दरस राम को शराब पीने की लत थी और 28 नवंबर को भी वो शराब के नशे में ही घर से निकला था। वो अक्सर बिना बताए घर से चला जाता था, इसलिए पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी कि कुछ दिनों बाद हर बार की तरह फिर से वो वापस आ जाएगा। मृतक दरस राम सूर्यवंशी कबाड़ी का काम करता था। खबरों में बने रहने के लिए जैक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।